राधे राधे दोस्तों। तो आज के शाम हम एक नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि एक ब्लॉग का नया पार्ट है। इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, मिलेगा आपको क्या? शायरी। शायरी क्या होती है? भावनाओं का एक एक समझ लीजिए गुथी हुई माला होती है शायरी। भावनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं, आपके साथ घटित हो सकती हैं, आपके अनुभव के आधार पर भी हो सकती हैं। तो आज की जो शायरी की शुरुआत है, मैं यहाँ से करता हूँ। एंजॉय कीजिए, मस्त लगे तो बने रहिए। आपका स्वागत है सुभाषी ब्लॉग्स चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। कि गद्दारों ने गद्दारी की, गद्दारों ने गद्दारी की, वफादारों ने वफादारी, गद्दारों ने गद्दारी की, वफादारों ने वफादारी, कुछ लोगों ने लाभ उठाया कि मौके की सवारी। गद्दारों ने गद्दारी की, वफादारों ने वफादारी, कुछ लोगों ने लाभ उठाया कि मौके की सवारी, कि उठा के लाभ भरोसे का शायद जीत जाओगे। देखिए, दुनिया में सबसे आसान काम है किसी के भरोसे का लाभ उठाना, बहुत ही मस्त काम है। हालांकि छोड़िए, कि उठा के लाभ भरोसे का शायद जीत जाओगे, कर्म के फल से बच के भला फिर कहाँ जाओगे। देखिए, कि उठा के लाभ भरोसे का शायद जीत जाओगे, लेकिन कर्म के फल से बच के भला फिर कहाँ जाओगे। टूटेगा भ्रम, टूटेगा भ्रम फिर कि कौन अपना कौन पराया है, टूटेगा भ्रम फिर कि कौन अपना कौन पराया है, सबने मौका मिलने पे अपना रंग दिखाया है। टूटेगा भ्रम कि कौन अपना कौन पराया है, सबने मौका मिलने पे अपना रंग दिखाया है। कि याद रखना, याद रखना, जो किए हो उससे भी बदतर मिलेगा। याद रखना, जो किए हो उससे भी बदतर मिलेगा, जहां दलदल समझते थे वहीं कमल मिलेगा। क्या बात, क्या बात, क्या राम बात। राम दोस्तों। अगली शायरी आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए भावना के साथ, एक नए इमोशन के साथ, नई लाइनें रहेंगी उसमें। हालांकि ये काम मैं बहुत पहले से करता था, लेकिन यूट्यूब पे ये मेरी पहली शायरी है, और ये मैडम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इसको करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इंडिया में टैलेंट्स बहुत हैं, लेकिन लोग क्या होता है, शर्म की वजह से इन सब चीज़ों को सामने लाते नहीं हैं। तो फाइनली वो पड़ाव पार हो चुका है, ऊपर वाले की कृपा से। तो ये मेरी पहली शायरी यूट्यूब पे। अब मैं यूट्यूब पे अपनी शायरियों के साथ बना रहूँगा, नई नई शायरी, नए नए अनुभव। अगर इस शायरी को खुद से जोड़ पाते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका इस भौतिक जीवन में आगमन हो चुका है। अगर ये शायरी आपको दिल पे लगती है तो फिर आप बच के रहिए, आपके कर्म का फल आपका इंतजार कर रहा है। बाकी दोस्तों, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई आशा नहीं, अगर पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।